बैठक में क्या प्रस्ताव रहेगा? बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का बौद्ध संसद, नाइन्थ बौद्ध संसद, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार रमेश बैंकर बौद्ध और हमारे पूज्य गुरुजी बत्ते संदामुनि महातेरा की अध्यक्षता में ये चार दिवसीय बौद्ध संसद जो महाबोधि बेटेंसर में चल रहा है, पूरे भारत के सभी राज्यों से इसमें प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और आज के दम संसद में ये तय किया गया है कि कल प्रातः 7 बजे हम पंचशील धम्म यात्रा महाबोधि मेडिटेशन सेंटर से महाबोधि महाविहार तक निकालेंगे और विश्व शांति का संदेश हम बंदे संदामुनि माथेरा के सानिध्य में देने वाले हैं। आज तीसरा दिन है इस पर आप कंप्लीट कर भी कुछ और गुरु जी बता देंगे क्या। जब धम्म पद की यात्रा करने के बाद फिर धम्म पद होता है सर, धम्म पद नहीं होता, धम्म पंचशील धम्म यात्रा, धम्म पंचशील का जो योजना कल चलेगा बोध या सवेरे 7 बजे से लेके महाबोधि मंदिर विहार तक, तो उसके बाद क्या आपको बैठक में चलेगा बौद्ध धम्म संसद बोलिए। पंचशील धम्म यात्रा वापसी समापन पर फिर हमारा जो है धम्म संसद यहाँ पर 10 बजे शुरू होगा और उसमें जो हमारे बाकी जो हमारा एजेंडा है अंत समापन सत्र का, उस पर हम बहस करेंगे और उसका प्रपोजल पारित कर भारत की संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा, विधि आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, बिहार सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों को वो जो है पारित किया गया, 9th धम्म संसद का प्रस्ताव पारित किया गया और सारे देश में भेजा जाएगा। ठीक है, वहाँ प्रार्थना की जाएगी और पहचान पत्र बनाने के लिए उसके बाद क्या आपके धम्म संसद कार्यक्रम फिर पुनः चलेगा या समापन कर दिया जाएगा? पंचशील धम्म यात्रा या पदयात्रा पूरी होने के बाद 10 बजे से फिर से धम्म संसद बैठेगी और जो हमारे एजेंडा जो बाकी है उसके पर हम चर्चा करेंगे और फिर अंतिम जो मसौदा है वे का निर्णय लिया जाएगा और फिर उसके रेजोल्यूशन लेके हम लोग उसको समापन की तरफ ले जाएंगे और फिर इसके पर जो कार्यवाही करनी होगी इसके लिए हम निर्णय करेंगे कि कैसे हमें इस जो हमारे जो रेजोल्यूशन है उसको कैसे हम आगे रिप्रेजेंट करें और बौद्धों की जो समस्या है उसको हल करें। इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं पूज्य गुरु जी से, आप क्या कहना चाहते हैं कल के प्रोग्राम पे? कल 27 अक्टूबर है आपका, कल 27 अक्टूबर में हम लोग भगवान जी ज्ञान प्राप्त लीला हम लोग के लिए बुद्धिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो जगह को हम लोग इधर से धम्म यात्रा जाएगा, उधर में हम लोग पानी सी लेना, उधर से भगवान जी को हम लोग पूजा वंदना करना, उसके बाद वापस जाके हम लोग जो इशू हम लोग में इशू 22 इशू है ओला वो इधर में कंटिन्यू करके हम लोग और फैसला करेगा डॉक्टर सुबह, उसके बाद शाम टाइम में हम लोग जो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग फोटो सेशन भी है और जो जो हम लोग काम करना उधर में शाम को हम लोग करने का तो बहुत है, वो सब काम है, वो काम होने के बाद हम लोग जो इशू हो गया वो इशू लोग को हम लोग लेके हम लोग जो जो और डिक्लेरेशन करेगा सब तो काम तो बहुत है हम लोग साथ में। तो कल के इस प्रोग्राम में कितने लोगों की संख्या जाएगी? इधर से जाएगा तो इधर में मीटिंग में आया जो आदमी वो लोग सब जाएगा और इधर में मंदिर में जितना रहा सब बांध ले लो, सब सांग ले लो, इधर में वो पार्टिसिपेट कितना आएगा हम लोग तो नहीं बोले सकते हैं, लेकिन एक सौ ज़्यादा आदमी 200 आदमी तो इधर से जाके हम लोग उधर में पूजा वंदना करेगा भगवान जी को। अच्छा, वंदा मंत्री जी।